हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में 19 अगस्त से केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और जन आशीर्वाद यात्रा के प्रभारी संजीव कटवाल ने सोलन विश्राम गृह में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के स्वागत की तैयारियों की समीक्षा में बैठक की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री बनने के बाद हिमाचल प्रदेश की 5 दिनों की यात्रा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो रही है। इस यात्रा को हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में चलेगी। हिमाचल भवन में कल 9:30 बजे सिरमौर के कार्यकर्ताओं द्वारा अनुराग ठाकुर जी का स्वागत किया जाएगा। आदरणीय सुरेश कश्यप जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ रहेंगे। 11 बजे के लगभग ये यात्रा परमाणु में पहुंचेगी, परमाणु ओल्ड बस स्टैंड के ऊपर, जहां पर डॉक्टर राजीव सैजल माननीय स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल प्रदेश और उनके साथ सोलन जिला के प्रमुख सभी कार्यकर्ता, हमारे विधायक, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सैकड़ों की संख्या में लोग उसका स्वागत करेंगे। माननीय अनुराग ठाकुर जी, जो कि एक युवा हमारे नेता हैं हिमाचल प्रदेश के, और उन्हें जो मंत्रिमंडल भी दिया गया है वो खेल एंड युवा मामले मंत्री बनाया गया है, कल हिमाचल प्रदेश में वो पधार रहे हैं आशीर्वाद लेने के लिए। और हिमाचल प्रदेश के सभी युवा, बड़े छोटे और बुजुर्ग, उनको आशीर्वाद देने के लिए जो है वो बड़ी बेताबी से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हमारा जो सोलन मंडल है, सोलन के लोग जो है वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नगाड़ी से लेकर के ऊपर शिलाघाट तक जो है उनका जो है जगह जगह पे उनका स्वागत करेगी और उनका जो है अभिनंदन करेगी। बहुत उत्साह है लोगों में और बहुत अच्छे से कल ये कार्यक्रम होने वाला है और अपने नौजवान नेता और केंद्रीय मंत्री जी को रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए सोलन की जनता आतुर बैठी है और कल भव्य स्वागत उनका यहाँ पर इस रेस्ट हाउस के प्रांगण में किया जाएगा।